हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका स्पेशल स्वागत है। गाइस अपने कैसे हो? मैं तो बहुत बुरा हूँ यार। अरे फाइनली तुम्हें सच का पता चल गया शिनचान। गाइस आज हम लोग करने वाले हैं बड़ी सॉन्ग, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम किया था तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन मेरा बड़ा मन है भैया, मैं जानवर से इंसान बनूंगा, बहुत मजा आएगा। चब मैं तो फिर से बोलता हूँ कि रहने दे भाई, जो जैसा है बढ़िया है, हम लोग कुछ चेंज नहीं करते। नहीं नहीं, हम बिल्कुल करेंगे। जल्दी आओ गाइस, हमारे यहाँ पर है बड़ी स्वैप मशीन। रुको रुको, फटाफट चलते हैं। अरे वाह, ये रही, ये है बड़ी स्वैप मशीन। फटाफट मैं यहाँ जाता हूँ। चलो शिनचान तुम भी जाओ। शिनचान आर यू रेडी? ना चाहते हुए भी आई एम रेडी। चालू किया जाए। ये तो बहुत समस्या है, ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये हो गया है। अरे ये हो गया क्या? अरे वाह 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 वाह, मैं फाइनली दो पैरों पे चलने वाला एक इंसान बन गया। जोर से लगी भाई, दो पैरों पे चलना तो बड़ा मुश्किल है। अरे बाप रे भाई, चार पैरों पे चलना उससे भी मुश्किल है, मैं तो चलते चलते ही गिर गया हूँ। अरे भाई थोड़ा धीरे धीरे चलो। अरे यार देख, मैं एक डॉगी बन गया हूँ भाई। मुझे एक काम कर, कम से कम इतना बता दे कि तुझे कितने देर में पोटी आती है और कितनी आती है। देखो मेरा एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मुझे पोटी कभी भी आ सकती है और कितनी भी आ सकती है, जब भी आती है मैं कहीं भी कर लेता हूँ। अरे बाप, ये क्या हो गया? अच्छा खासा इंसान था, मैं चौप को बोल भी रहा था। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि फाइनली अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और जाऊँ तो जाऊँ कैसे। याद है चौप के पास एक ऑटोमेटिक गाड़ी है जो ऑटोमेटिकली उसे कहीं भी पहुँचाती है। ऑटोमेटिक कार, जल्दी आओ। अरे बाप, तो मैं हीरो जैसे बाइक चला सकता हूँ। मैं ये समय के लिए कम से तरस रहा था। वो रही शिनचान की बढ़िया सी बाइक। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। एक बार की बात है, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ मैं एक डॉगी हूँ इसलिए बहुत बुरा भला कहा गया था, लेकिन अब तो देखो मैं मस्त बाइक चला रहा हूँ। गाइस आज मैं ऐसी ऐसी चीज करूँगा कि किसी ने सोची ना होगी। मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं चुप हूँ। और गाइस मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। सबसे पहले तो मैं उस खड़ूस जादू से मिलूंगा, और उसके बाद अपने भाई स्नाप से भी मिलूंगा, और इन लोग का ऐसा लगेगा कि शिनचान उनसे मिलने आया है जबकि मैं आया हूँ। ये बाइक चलाना बड़ा कठिन है। बाप रे बाप, ये क्या भाई, बहुत कठिन है। और मुझे एक चीज तो समझ नहीं आ रहा है, ये बाइक में इतनी सारी चीजें लगाए क्यों है भाई? चुपचाप स्कूटी जैसे बनाते हैं। अरे वाह, ये वाला रास्ता बहुत खाली खाली है। मुझे लगता है ये रास्ता स्पेशली मेरे लिए बनवाया है लोगों ने। चलो मैं इस रास्ते में चलता हूँ। अरे बाप रे बाप, कम से कम कितनी देर से मैं इस ऑटोमेटिक गाड़ी को बुला रहा हूँ, ये आ क्यों नहीं रही है? चौप कुछ ना कुछ तो अजीब सा बोलकर बुलाता था, वैसे ही बुलाकर देखता हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, मुझे लेकर जाओ, मैं हूँ तुम्हारा चौप। अरे वाह, मेरी गाड़ी आ गई, लेकिन ये क्या बहुत बेकार लैंडिंग थी भाई, लेकिन जैसी भी है मेरी गाड़ी है। गाइस एक दिक्कत हो गई, मैंने चौप को ये बताना भूल गया कि आज हमारा स्कूल पिकनिक है। अब वो जैसे ही मेरे स्कूल जाएगा उसे पिकनिक लेके जाया जाएगा, और अगर पिकनिक में वो बहुत उल्टी सीधी हरकत किया तो दिक्कत होगी। लेकिन देखो मैं तो चौप बना हूँ ना, तो चौप क्या करता है, चुपचाप सुबह उठता है, घर पर रहता है, थोड़ी पार्टी कर खाता है और फिर सो जाता है। आई मीन वो पहले खाता है फिर पार्टी करता है। तो मैं सबसे पहले आर्यन भाई के पास जाता हूँ, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि चौप तो असली में कोई और है और शिनचान चौप बन चुका है। गाइस लेकिन आपको तो पता है ना, और इस बढ़िया सी बात के लिए जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। चलो मैं आर्यन भाई के पास चलता हूँ। देखो भाई ज्यादा समय है नहीं, 15-20 मिनट में स्कूल चालू हो जाएगा, और शिनचान को स्कूल भी तो लेके जाना है, आई मीन जो कि मैं बन चुका हूँ। ये देखो गाइस, ये दोनों खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, सुनता हूँ रुको। अड़चके अड़चके जी, कभी कभी हमें सोचता है जी कि क्या है समुन्दर में इतना पानी आएगा जी कि वो सीधा आसमान तक चले जाएगा जी। अला, समुन्दर का पानी आसमान में जाएगा तो आसमान का पानी किस में जाएगा? वो समुन्दर में आ जाएगा, फिर समुन्दर आसमान में चला जाएगा और आसमान समुन्दर में चला जाएगा। अड़चके अड़चके जी, लेकिन इसके लिए पहले तो समुन्दर का पानी आसमान में जाना चाहिए ना जी। अला नहीं, पहले वहाँ से आसमान का पानी समुन्दर में आना चाहिए।
बाप रे बाप, इन लोग तो बहुत हाई लेवल की बातें करते हैं भाई। मेरा तो सर इतने जल्दी घूम गया, लेकिन हेलो लेकिन शिनचान मैं तुमको देख के बहुत खुश नहीं होता हूँ, थोड़ा सा ही खुश हो पाता हूँ। तुम्हें पता है आज मैं चॉप के जैसे आवाज निकालने वाला हूँ, ये मेरा चैलेंज है। डुचका जी, तुम तो हमारे भाई का बहुत बढ़िया आवाज निकाल रहे हैं जी, वो ऐसे ही बोलता है जी। बिल्कुल सही कहा भाई, आई मीन बिल्कुल सही कहा स्नॉप। अब मैं तुम दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा। ए स्नॉप के बच्चे, आई मीन ओ स्नॉप, ये बता कि तुझे चॉप कैसा लगता है। हाँ आइला, क्या तुम चाहते हो कि मैं सच बोलूं या फिर मैं सच ही बोल दूं? क्या, अरे भाई सच ही बोल दे। आइला देखो, सबसे पहले तो सबसे हैंडसम ब्लैक डॉग ही मैं हूँ, उसके बावजूद वो अपने आप को सबसे हैंडसम समझता है, और उसके बाद मैं उसे बोलता हूँ कि सबसे स्ट्रांग हैंडसम कूल डैशिंग मैं हूँ, तो वो मानता नहीं है। और उसके बाद मैं जब भी निर्मा से बात करता हूँ वो बहुत दुखी होता है, गुस्सा हो जाता है मुझसे, इसलिए मुझे चॉप बहुत बेकार, घटिया, खड़ूस और बददिमाग लगता है, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। उसे बदबू भी आती है, दिन भर पॉटी करता रहता है। बस 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 बस, अरे भाई तुम क्या बहुत साल से भरे हुए हो गया अंदर से? आइला ये तो बस कुछ दिनों का है। गाइस निर्मा से याद है, निर्मा जब से बाहर गई है वो अपने मम्मी पापा के घर गई है। एक दिन मैं निर्मा को जल्द ही लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले आर स्नाफ, मुझे तुमसे भी एक सवाल है कि तुमको चॉप के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो कि बहुत अच्छी लगती हो? अड़चके अड़चके जी, चॉप के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो बहुत अच्छी लगती हो? ये तो बहुत सोचना पड़ेगा जी, क्योंकि बहुत मुश्किल है जी। उसके अंदर एक अच्छी बात हो तो हम बताएगा ना जी, लेकिन उसके अंदर तो अच्छी बात ही नहीं है जी, तो हम क्या बताएगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बाप रे बाप गाइस, मैंने गलती कर दी इनसे बात करके। फटाफट शिनचान के स्कूल चलता हूँ, भैया लेट हो गया था, दिक्कत होगी। अरे एक मिनट, मैं स्कूल तो पहुँच गया, लेकिन गाइस लगता है आज कहीं तो जा रहे हैं स्कूल वाले। अच्छा आज के दिन ही मैं बॉडी अपनी बदल लिया हूँ, अब मैं सबसे आगे लगूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, आगे नहीं लगता हूँ, बीच में लगता हूँ। भैया मैं तो छोटा हूँ, मुझे जगह दे दो। आप तो बड़े क्लास में हो ना, छोटे को जगह दे दो, चलो चलो। ओए पागल कैसे? सॉरी सॉरी, वो थोड़ा सा हो जाता है। हाँ तो बेटा लोग, ये वाला पिकनिक में सब लोग नहीं जा सकता है। जिन लोग अच्छे से सवाल का जवाब देगा, उन लोग को मैं लेकर जाएगा। बाकी लोग का क्या होगा? अरे कौन बोल रहे, बाकी लोग को यही सड़ना होगा, समझा? हाँ तो तुम छुटंके एक बात बताओ हमको, तुमको पिकनिक का जाने का परमिशन मिल गया है? Yes, yes. ये कब बात हुआ, ये कैसे हो गया रे? ठीक है जा। Very good. बस ऐसा क्वेश्चन पूछना है क्या, फिर क्या, ये सब तो अपन के बाय बाय हाथ का खेल है। हाँ तुम कह जा रहा है, हाँ तुमसे हम मना करा था ना, तुम बड़ा हो गया है, छोटे छोटे लोगों के बीच में घूमना छोड़ो। अरे मेरा भी बच्चा जा रहा है, मुझे भी ले जाओ। अरे पगलवा, बच्चों का ट्रिप है, यहाँ से जाओ। अरे यार हर बार मुझे भगा देता है, मुझे ट्रिप जाने का कितना मन होता है, मुझे दुख हो रहा है। अरे बापू बापू, वो अजीब आदमी था भाई, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसका घूमने जाने का मन है उसे जाने देना चाहिए। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? ए भद्दीवाद वाले बच्चे चुप कर। मुझे भद्दीवाद वाला बोलता है? ठीक है भाई ठीक है, मैं भी जाऊंगा। अरे सूरजमुखी के अंकल, तेरे को मैंने बाल कटाने को बोला था, सुना नहीं क्या? मुझे बाल बहुत पसंद है, मैं नहीं कटा सकता। तो मैं अभी तेरे को नहीं ले जा सकता, चल निकाल इधर से। अरे यार मुझे जाना था। चलो अगला बच्चा। हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होम स्वीट होम, वेलकम बैक। अरे शिनचानवा ये क्या हो गया भाई, तुमने क्या दो ठोक मोटे मोटे आदमी को निगल लिया क्या? तुम्हारी आवाज एकदम मोटी मोटी हो गई है। बोला मेरा गला, हाँ मेरा गला खड़ा हो गया है। हाँ सबका गला बैठता है इसलिए थोड़ी मोटी होती है, मेरा गला खड़ा हो गया तो बहुत मोटी हो गई है मेरी आवाज, मुझे थोड़ा माफ करिए। अरे तो तुम बहुत अजीब से लग रहे हो, चलो निकलो इधर से। कौन हो भाई, समझ नहीं आ रहे हो, तुम नहीं जाओगे पिकनिक? प्लीज प्लीज, मुझे पिकनिक जाना बहुत पसंद है, अगर आप मुझे पिकनिक ले जाएंगे तो मैं कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, मैं मजे कर लूंगा, मुझे प्लीज ले जाओ। अरे तुम्हारी आवाज भी अजीब है, बोलते भी अजीब हो, करते भी अजीब हो, भाई रहने दो, मैं अपने बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेता, नो मीन्स नो।
अच्छा मैं आपके ट्रिप में पार्टी भी नहीं करूंगा, प्लीज ले चलो। हाँ क्या बोला? अरे भाग इधर से। अरे अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि अभी मैं चाप नहीं सिंचन था। अरे यार पार्टी भी नहीं करूंगा ऐसा कोई बोलता है? चलो भाई कोई नहीं, आज का दिन तो बेकार जा रहा है। गाइस मैं घर तो आ गया हूँ, अब मैं चाप के काम करूंगा। एक मिनट, आलोक चाचा जी कैसे है? अरे सिंचन कहाँ यार? आई मीन मैं चाप ही हूँ, बस मेरी आवाज थोड़ी बदल गई है। अरे क्या बोल रहा है, ये सब छोड़ यार, एक्टिंग करना बंद कर। एक काम कर, अंदर जा भाई और इसको बुला आर्यन को, कब से सो रहा है घोड़े बेचकर। आर्यन भाई के पास घोड़े भी है क्या? उन्होंने बेच भी दिया, बताया भी नहीं। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, ये आर्यन भाई की बहुत ही ज्यादा कीमती और एकदम ज्यादा स्पेशल कार है, और इसे ना ये शोपीस बनाकर यहाँ पर रखते हैं अपने घर में। लेकिन अगर आलोक चाचा जी को मैं कुछ कुछ बोलकर ये चलवा दूँ तो मजा आएगा। आलोक चाचा जी एक मिनट इधर आना, ये हमेशा बोलते रहते हैं कि एक बार ये कार चलाने का मौका मिल जाए मजा आएगा। अरे क्या हो गया भाई, एक तो तुम लोग ना मुझे कुछ बताते नहीं हो, ये आर्यन कहाँ है? अरे वो सब छोड़ो, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। आपको क्या लगता है कि आप ये इतनी बड़ी भारी ग्रैंड लग्जरी कार चला भी पाओगे? अरे मैं ऐसी कोई कार नहीं बनी जो आलोक उड़ा ना पाए चला ना पाए। तो एक काम करो, ये वाली कार चलाने का आपको बहुत मन था ना, एक बार चला कर तो दिखाओ। अरे नहीं 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 भाई, ये आर्यन की बहुत प्यारी कार है, अगर मैं इसे चलाया और गलती से भी कुछ हो गया, यहाँ पे उसे नहीं दिखी, वो उठ गया सोकर, तो बहुत दिक्कत होगी भाई। तू देखना इसमें गोल्ड वाला पेंट कराया है भाई, रहने बहुत महंगी है, उसे किसी ने तो गिफ्ट करी थी। अरे आलोक चाचा जी क्या ही होगा, एक बार चला लो। मुझे तो लगता है आपको असली में चलाना आता नहीं है, और आप आर्यन भाई से बहुत डरते हो। डरपोक आलोक चाचा जी डरपोक है। Hey, अरे ये चौप के बच्चे सिंचन की आवाज निकाल के मुझे चढ़ाता है, मैं चला कर दिखाऊंगा। आ जाओ अब मैं चलाता हूँ, अभी बताएंगे इसे। अरे भाई ये सब बंद कैसे होगा? बंद नहीं होगा तो ऐसे ही चलाता हूँ, अभी मजा आएगा। भिड़ो सब बंद हो गया। अरे बाप रे एक मिनट, ये बहुत पुराने जमाने की है यार। बाप रे बाप, इसके एक्सलरेटर में कितना पावर है भाई। मान गए यार। अरे मैं लेकर कैसे जाऊँ? अरे बाप रे बाप, कांच वाच टूट रहा है भाई, बाहर कैसे ले जाओ? अब लेकर जाओ, ग्लासेस हटा दिए हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी मजा आएगा ना, ये देखो। अरे यार इसका सब कुछ खुला हुआ है, गेट ये वो सब खुला हुआ है। एक मिनट, मैंने अभी चेक किया कि इसमें पेट्रोल इतना कम है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बाप रे, अरे यार बहुत खतरनाक। अरे शिट, इसमें डेंट आ गया, अब तो दिक्कत होगी। फटाफट आर्यन भाई को उठाना होगा। आर्यन भाई जल्दी उठो, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। अरे एक मिनट, अरे भाई इतना बड़ा बिस्तर है, इसे छोड़कर ये जमीन पर क्यों छू रहे हैं? ओ आर्यन भाई, एक दिन 1 मिलियन होंगे, जरूर एक दिन होंगे। अरे बाप रे, सपने में भी यही सोच रहे हैं। गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जल्दी, बेचारे आर्यन भाई इनका तो बुरा हाल है। आर्यन भाई सपने से उठो। अरे भाई पागल है क्या, दौड़ गया चौप के बच्चे, तो शिनचैन चैन की आवाज कहाँ से आई तेरे अंदर से? हाँ मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं, बस इतना बोलता हूँ आपकी इम्पोर्टेंट प्रीशियस कार गिफ्ट। कार? अरे कार को क्या हुआ? वेट गाइस, उस कार को अगर कुछ भी हो ना भाई, मैं पूरा घर उड़ा दूंगा। आई मीन अपना तो नहीं, किसी और का, जो भी उस कार को कुछ भी करेगा। गाइस उस कार को ना, ओ माय गॉड, वेट अ मिनट भाई, इस कार से बर्न आउट मारा गया, मतलब इसके चक्के को भी घिसा गया। यार ये किसकी हिम्मत है, कौन है ये? भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे वो बंदा मिल गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, सब तहस नहस कर दूंगा भाई, आज नहीं छोड़ूंगा मैं एक्चुअली में ना उस कार को इतना संभाल के रखता हूँ गाइस, और उसमें पेट्रोल तो था नहीं बिल्कुल, कैसे आलोक 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 के बच्चे। अरे भाई माफ करना, वो ना तो तुम्हारी कार ना मैं जोश में ले आया था भाई। वेट अ मिनट, वाओ भाई डेंट, अरे बाप रे भाई साहब, ये क्या कर दिया? गाइस जितना जगह मेरा कार टूटा है ना, उतने जगह मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, रुक बेटा अभी बताता हूँ।
अरे वाह वाह वाह, आलोक चाचा जी से बहुत पुराना बदला था, आज मैंने ले लिया, लेट्स गो। अब मैं और चाप वापस से अदला बदली कर लेते हैं, चलो चलो। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, मजा आया तो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।